रतलाम जिले के सरसी में गुरुवार की शाम सरसी के राजा हनुमान मंदिर पर चूल तेरसा महामहोत्सव के कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पधारे भदवासा के शिव पुराण कथा प्रवक्ता विनोद शर्मा एवं प्रफुल्ल व्यास की उपस्थिति में कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात राजा हनुमान मंदिर पहुंचकर गुरु भगवंत ने अपनी ओजस्वी वाणी से भक्तों का रसपान कराया। वहीं विनोद जी शर्मा ने कथा के दौरान कहा कि यह समय अब कथाओं के नाचने का नहीं बल्कि हिंदू समाज के जगाने का समय है। साथ ही उन्होंने शिव पुराण का महत्व समझाते हुए भक्त अच्छे मार्ग पर चलने एवं शिव आराधना करने की बात कही। आप सभी को जय श्री कृष्णा। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वह मृत्यु सुधारने का एक ग्रंथ है, लेकिन शिव पुराण में सुखी जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाए, अपने जीवन को किस प्रकार महादेव की कृपा देवताओं की पूजा करके हमें जो आर्थिक समस्याएं है, संतान समस्या है या विवाह पक्ष में बाधा आ रही है, उन सभी का उपाय बताया है शिव पुराण में। तो इस महाशिव पुराण में हमारे जीवन को सुखमय और सरल कैसे बनाएं, तो अधिकाधिक संख्या में पधार कर आप इस आयोजन को जरूर सफल बनाएं और जो सूत्र पुराण में दिए गए हैं उन सूत्रों को जीवन में उतारे आप लोग, निश्चित ही कई लोगों को लाभ मिला है और आपको भी इसका लाभ मिलेगा। तो अधिकाधिक संख्या में पधार कर परिवार इष्ट मित्रों के साथ इस आयोजन को आप लोग सफल बनाएं। इसमें जीवन की हर समस्या का समाधान शिव पुराण में दिया गया है। गुरुदेव, शिव पुराण में जो युवाओं को किस और अग्रसर करती है, इसका इसको लेकर आप क्या कहेंगे? युवाओं को शिव पुराण कहती है कि हर मंदिर में भगवान है और केवल हम लोग तीर्थों में ही ना भटके, अपने गाँव मंदिर में भी जहाँ मशीनें हम लोगों ने लगाई है वहाँ आना सीखें और भगवान की पूजा अर्चना करके जीवन को सुखमय बनाएं। निश्चित ही देवताओं की कृपा जीवन में सफलता प्रदान करें। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।